सर, हमारे कॉलेज के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हाँ, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग शुरू की, उसमें हम बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड शुरू किए, एमबीए जो बंद था 12 साल yes. उसको इस साल चालू करवाए, पीडीएफ इस साल से शुरू, सार आईसीएस डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एक्सेप्ट हो गया, जैसे हमको फंड मिलेगा हमने भूमि पूजे बी फार्मा शुरू कर, एमबीए साइबर क्राइम शुरू कर, हमारे कॉलेज में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और अपना काम हो रहा है, सोलर ट्री बना रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट से करवा रहे हैं, कितना तोड़ता है देखते हैं, वो मंत्र ओझा गुनी मंत्र जैन जोगिन कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सविसा एंड चिल के एक बहुत ही खास एपिसोड में। मैं हूं निर्भय सौरभ और आज है हमारे साथ हमारे आज के बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर मणिकांत पासवान सर, डायरेक्टर ऑफ स्लाइट। सर, वी आर प्लीज टू हैव यू इन आवर शो। सर, बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं आज का पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बैकग्राउंड और उस जर्नी के बारे में बता सकते हैं जिसके कारण आप हमारे कॉलेज के निदेशक बने? धन्यवाद इस टीम को जो मुझे इस ऑनलाइन मीडिया में आने का मौका मिला और इस तरह का जो एक इंस्टीट्यूट के बारे में, एक सिंपल एकेडमिशियन के बारे में कुछ जानकारी देने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात है जो पहला क्वेश्चन है सौरभ का कि बैकग्राउंड, हमने पटना विश्वविद्यालय से, पटना साइंस कॉलेज से, फिर इंजीनियरिंग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब एनआईटी हो गया है, जैसे बीटेक करने के बाद पटना में 10 साल रहने के बाद हमने मास्टर डिग्री एमटेक आरआईटी जमशेदपुर से किया, फिर वहीं डॉक्टरेट डिग्री किया और वहीं एज ए लेक्चरर उस समय हुआ करता था, और सब दिन मैं कैंपस में रहा, स्टूडेंट के बीच रहा, पढ़ाई लिखाई के वातावरण में रहा और उसके हर पहलू को, हर पैरामीटर को, हर नब्ज को जानते हैं कि कैसे हमारे विद्यार्थी को किस किस पॉइंट पर एडमिशन के मैटर में पढ़ाई के दौरान कितना कष्ट होता है, कितना परेशानी होती है और उस कष्ट परेशानी से कैसे उभरा जाता है, कैसे उसका मोटिवेशन को किसी कारण से अगर कम हो जाता है, उसको थोड़ा सा परेशानी होती है। जैसे हम लोग को भी विद्यार्थी 1980 में 1978 में 1977 में होता था, तो उसको ठीक किया। मैं एसोसिएट डीन, चीफ वार्डन, वार्डन, डीन स्टूडेंट फैकल्टी वेलफेयर रहा और अपने कैरियर के बारे में, करियर के साथ अपने जो एकेडमिक के लिए सेवा नहीं कर सकते हैं कि सर्विस कर रहे थे, सरकार हमको पैसा दे रहा, तो उसी जीवन उसी लाइन में अपना जीवन को 32 इयर्स किया और इसी दौरान हमको भारत सरकार ने यहाँ स्लाइट पंजाब आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भी किया और उसी से पिछले 1 साल पहले मैं यहाँ स्लाइट पंजाब आया हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात है कि एकेडमिशियन, रियल जो एकेडमिशियन है वो कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनने से कैसे उसका इम्प्रूवमेंट होता है, वो मेन चीज है। यही मेरा उद्देश्य था कि स्लाइट लॉन्गबाग को हम कैसे विश्व पटल पर, टेक्निकल फोरम पर, सच फोरम पर कैसे ऊपर ला, यही उद्देश्य के साथ मैं यहाँ आया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्टूडेंट की संख्या अच्छा है, क्योंकि यहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम है, बीटेक प्रोग्राम है, एमटेक प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, पीडीएफ प्रोग्राम है, तो इतना स्टूडेंट की संख्या है, इसको हम कैसे इम्प्रूव करें, यही उद्देश्य लेकर करके हमने स्लाइट आया और ज्वाइन किया और इसकी जर्नी को शुरू किया पिछले 1 साल। बहुत ही धन्यवाद सर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए।
अब अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के लिए आपका विजन और मिशन क्या है, और आप यह इंश्योर करने के लिए किस तरह के योजनाएं बना रहे हैं कि ये कायम हो सके? बहुत अच्छा। रही बात सेंट्रल लोंगबान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विजन मिशन किया है, सर बहुत बड़ा बात है। मैं जब पिछले साल ज्वाइन किया तो स्लाइट लोंगवाल का रैंक जो था 150 के ऊपर था, एनआरएफ रैंकिंग जो करते हैं, जिसने ऑल आईआईटी एनआईटी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट और जिसने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी सब आते हैं। एक पैमाना है जो स्लाइड किसी इंडियन कॉलेज का एक सिरमौर है, तो उसमें स्लाइड 150 के ऊपर, उसको हम लोग के प्रयास से हमारे विद्वान फैकल्टी मेंबर्स, हमारे नॉन फैकल्टी मेंबर्स सारे के सहयोग से लेकर, सहयोग भी मिला मुझे, हमारे विद्यार्थी का सहयोग मिला, जितना पब्लिकेशन पहले मास्टर स्टूडेंट, एमटेक स्टूडेंट, बीटेक फाइनली स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट नहीं करते थे उतना अभी करने लगे, और उससे क्या मेरा एनआरएफ रैंक 76 पर लाए हैं। काफी अच्छा बात। जिससे कि यही एनआरएफ रैंक क्या फायदा, तो पहले कंपनी को रिक्रूटर्स को मैं बुलाता था, रिक्वेस्ट करता था, अब कंपनी हमको कहता है कि सर डेट चाहिए हमको, फलाना डेट में कंप्यूटर साइंस, फलाना डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स, फलाना डेट में मैकेनिकल, और लिस्ट बना हुआ है कि हम डेट देते हैं, तो यही अंतर है। प्लस हमको रिसर्च प्रोजेक्ट मिलने में विद्यार्थी के लिए एक एक शुभ अवसर पैदा हुआ है, और जिससे कि हमारे विद्यार्थी उसको उस काम को उस रैंक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सर आपका विजन और मिशन भी काफी अच्छा है, और इसका जो लाभ है वो हमारे कॉलेज को भी मिल रहा है। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, चूंकि आप यहाँ एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध कॉलेज में हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपके इस कॉलेज में क्या बदलाव देखे हैं? मतलब मेरा मतलब कि कल्चर, डिप्लोमा छात्रों, एजुकेशन और प्लेसमेंट के लिए छात्रों की डेडिकेशन, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में है, और लड़के लड़कियों पर प्रतिबंध आदि, ये सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले एक साल का अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ आया तो संख्या बल तो ठीक था, डिप्लोमा का स्टूडेंट था, बीटेक, मैं देख रहा था एडमिशन में जो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में, हिंदुस्तान के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का थोड़ा सा कम है, संख्या परसेंटेज कम है, इवन आईआईटी एनआईटी में भी कोर ब्रांच में कम संख्या मिल रहा, उसको मैंने कंसंट्रेट किया, नहीं उसको हमको पूरा करना है। और इस तरह इस बार एनआरएफ रैंकिंग तो बाद में आया, जुलाई के 28-29-30 तक आया, नैक में जो एक एक्रेडिटेशन सिस्टम है, जी नैक में हमको ए ग्रेड मिला, जो स्लाइट लोंगवाल को अभी तक नहीं मिला, जी यस बी बी प्लस में था, यस तो नैक में हम लोग को ये मिला। एनबीए में, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन में, हमको 2028 तक एक्रीडेटेड और कर दिया गया। तो एक टेक्निकल फोरम पर एक स्लाइट लोंगवाल का परसेप्शन क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ काम, और उसमें हम प्लेसमेंट भी सही सुधार रहे हैं, और इस साल पिछले काम पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसमें हम फिर से सुधार करने के प्रयास में। इन द मीन टाइम हम आईआईटी से एमओ किए, जिसमें आईआईटी जम्मू कश्मीर, आईआईटी मंडी, एनआईटी दिल्ली, उसमें एमओ में क्या फायदा है, तो हमारे जो भी विद्यार्थी प्लेसमेंट नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, तो हमने मंडी आईआईटी मंडी शुरू कर दिया, 2024 में हम लोग एडमिशन शुरू कर दिए, पिछले जुलाई में कम से कम हम लोग 60 लड़के का एडमिशन, जो एमटेक यहाँ से किए थे और वहां पीएचडी मिले, 42,000 रुपया पर मंथ सभी लड़के को, 42,000 पर मंथ उस पीएचडी डिग्री मिलेगा,
बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट, यहां से पास करके मंडी गए एमटेक के लिए कोर्स में, और उसको 12,400 उनको स्टाइपेंड के साथ एमटेक डिग्री मिले पर मंथ, ठीक है। ये प्लस बीटेक स्टूडेंट प्री फाइनल ईयर वहां जाकर के हॉस्टल फ्री और वहां रह करके वहां के लाइफ फैसिलिटी यूटिलाइज करके अच्छा काम कर सकते, और अपने लाइव जो माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट होता है उसका वो सही लाभ उठा सकते हैं और पेपर पब्लिश कर यहाँ बाइंडिंग किए हैं। फिर हम मेरे ज्वाइन करने से हम माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट से जो पेपर निकाल देगा एटलीस्ट DOI कॉन्फ्रेंस में उसी को एक्सेलेंट ग्रेड दे रहे हैं। तो एक विद्यार्थी वर्ग में भी एक उत्साह का माहौल बना है कि नहीं पब्लिकेशन करना है और हमको एक्सेलेंट ग्रेड लेना। एमटेक को तो अनिवार्य कर दिए, बिना पब्लिकेशन का तुमको कैसे सबमिट नहीं होने दो। तो एक विद्यार्थी भी मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं कि सर, और सबसे बड़ी बात जो पब्लिकेशन होगा सिर्फ स्लाइड तो रहेगा उसका एप्लीकेशन में। मैं सौरभ कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्लाइड, तो इस ऑथर पे ही होगा, स्टूडेंट तो ऑथर होगा फर्स्ट ऑथर। Yes, और फॉर लाइफ लॉन्ग उस पेपर को जब भी सर्च हुआ गूगल सर्च में तो सौरभ कुमार के नाम से आए। तो पब्लिकेशन करना हम विद्यार्थी को यही समझाए कि तुम्हारा मेहताना मजदूरी जो दिन भर मेरा मजदूर करता है, दिन भर खेतों में काम करता है ना, तो उस दिन शाम में मजदूरी देता है, वही जो काम करते हो तुम लैब में, जो काम करते हो तुम अपने करियर में, वो पब्लिकेशन करके तुम्हारा मेहताना है, वो सब दिन तुम्हारा साथ रहेगा। और हर जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वो पब्लिकेशन तुरंत निकलेगा, इंटरव्यू में भी तो निकाल लेगा, तुम कॉपी जैसे बढ़ाओगे वो कंप्यूटर से निकाल लेगा और उसी संदर्भ में तुमसे। Yes. तो मैं उस कल्चर को बढ़ाया और हमारे फैकल्टी विद्यार्थी और अच्छा सपोर्ट किया और उसको हमको साथ दिया। रिक्रूटर्स भी, रिक्रूटर्स आते हैं तो पब्लिकेशन है तो सोचते नहीं काम किया है, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन आसान नहीं है, उसको तीसरी लेयर में स्क्रीनिंग होता है, स्क्रूटनिंग होता है, जब तक यूनिक काम नहीं होता है तब तक नहीं कोई जनरल या कॉन्फ्रेंस आता है। जी सर, तो एक बहुत बड़ा चीज यहाँ डेवलप हुआ है विद्यार्थी, और इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे और बढ़ेंगे। यस सर, अगला सवाल भी इसी के संदर्भ में है कि क्लास के बाहर और लेक्चर के बाद हमारे जो छात्र छात्राएं हैं बहुत सारे अपस्किलिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, आपको क्या लगता है कि हम इसका और अच्छे तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए हमारा कॉलेज और टीचर की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्लास के बाद जितने भी लैब के बाद, यस सर, हमने आते ही जो मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज बिल्डिंग था वो CPWD बनाकर रखा हुआ था, हमने इमीडिएट उसको चालू करवाया। उस असिस्टेंस भी आए कि नहीं नहीं जाएंगे, ये पंखा नहीं है, एसी नहीं है, हमने सब देंगे। धीरे धीरे टीचर को शिफ्ट किए, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को शिफ्ट किए, इनोवेशन सेल शुरू। यस, इनोवेशन सेल में हम सभी क्लास के बच्चे को लगाए, नो डाउट प्रोजेक्ट लीडर फाइनल ईयर होगा, उसका सेकेंड प्री फाइनल ईयर रहेगा, सेकेंड ईयर रहेगा और फर्स्ट ईयर भी रहेगा, उसमें डिप्लोमा को भी जोड़ रहे हैं, जिसे दौड़ दौड़ पे काम करता है, सीखता है, समझता है कि किस प्रोजेक्ट में काम हो रहा है। तो उससे एक जो इनोवेशन सेल है इसमें हमको IIT रोपर ने हेल्प किया, जो रिसर्जेंट पंजाब का नाम से उनको जो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट दिया उसमें हम लोग को अटैच किया। IIT रोपर प्रोफेसर राजीव अहूजा जी सर हमको अटैच किया स्लाइड को और बोले कि तुम जितने फंड के दीवान करो हम तुमको। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यस सर, और इसमें IIT मंडी हमको सपोर्ट की, इनोवेशन में जितने मेरा स्टूडेंट काम करेंगे प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे ऊपर साउंड, या बोलते हैं कि यहाँ आकर करो। तो एक
काम करने से है कि हाथ बढ़ाने से है, तो हाथ पकड़ने वाला बहुत लोग है, मगर काम तो कुछ करके करते हैं। तो अब स्लाइड के स्टूडेंट में टीचर में एक आई कि नहीं कुछ तो करके इनोवेशन सेल शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा शुरू किया है। अभी हमको NHPC से साइकिल वाला प्रोजेक्ट मिला, देखिए सब लोग 12 लाख रुपए मिला। तो आप काम शुरू कीजिए, इनोवेशन सेल शुरू करने से ये सब प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। 3-4 इंडस्ट्री वाला हमको काम किया, तो काम शुरू करने से कदम आप आगे बढ़ाओगे तो आगे वाला भी कदम बढ़ाए। आप घर में चुपचाप बैठे रहोगे कैसे हो? तो इस तरह का हम काम शुरू किए। रही बात मेरा विद्यार्थी, शाम में देखते हैं 7 बजे तक 8 बजे तक इनोवेशन सेल में काम करते रहते, डिफरेंट कंपटीशन जितने होते हैं, हैकाथॉन जितने होते हैं, सब में मेरा विद्यार्थी जाते हैं और वहाँ प्राइज जीत के लाते हैं। इसे मेरा बहुत खुशी होता है और इस तरह का प्रोत्साहन देते हैं। हमने विद्यार्थी को बोला है कि इस तरह का जितने कंपटीशन में जाओ, हम तुमको रजिस्ट्रेशन, आने जाने का खर्चा सब कॉलेज अकोमोडेशन जो भी होंगे वो आप हम कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है अभी तो स्पेस डे मनाए, हाँ स्पेस डे मनाए, हम लोग को 1 पैसा खर्च नहीं, इसरो अहमदाबाद ने पूरा स्पॉन्सर कर 1 लाख रुपए दिया, बोला सर हम स्पॉन्सर करते हैं प्रोजेक्ट। फिर वो स्टूडेंट को बुलाया, 2 स्टूडेंट गया, एक टीचर गए, तो पूरा खर्च। तो आप काम तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, काम आगे बढ़ेंगे तभी तो आपको हेल्प करने वाला खड़ा है। ये तो स्टूडेंट के लिए विन-विन सिचुएशन है कि अगर स्टूडेंट काम करना चाहता है तो हमारे प्रोफेसर्स भी हैं और दूसरे कॉलेज से लिंक भी है जो उनको हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर रहा है। यस सर। सर अगला सवाल है कि आपके अनुसार हमारे कॉलेज के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? बहुत कॉलेज का सबसे बड़ी बात है कि MOU साइन करने के लिए मैं जब मंडी गया, यस सर, तो नो डाउट हम मैकेनिकल से रहे हैं, यस सर, मेरा BTEC MTEC PhD सब मैकेनिकल से हुआ। तो मैकेनिकल में गया मैं, तो वहाँ यहाँ से एक लड़का MTEC लड़का, BTEC किया वो लड़का MTEC कर रहा, तो इतना अच्छा हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रिमार्क्स आया कि मेरा तबीयत क्या बोला कि सर सबको काम दिए हैं, नो डाउट MTEC में वहाँ 22 लड़के, तो स्लाइड के जो बच्चे थे वो सबको एक एक प्रोजेक्ट दिया, तो सब 3-3 लाख रुपए डिमांड किया एक्सपेंटल सेटअप के। स्लाइड के मेरा जो स्टूडेंट था वो बोला सर हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 40,000-50,000 खर्च होगा, आप मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मंगा दीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे पैरामीटर्स जो होता है ओरिफिस मीटर इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, और बाकी सब सामान हमको ला दीजिए, हम वो सेटअप कर दिया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बोला जिसको 3 लाख दिए और जो 40,000 में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया वो सबसे अच्छा बनाया, काहे कि खुद बनाया हाथ से, नो डाउट टेक्नीशियन हेल्प किया, मगर उसका मेंटेनेंस वो सही से जानता है, कहाँ कौन खराब होगा कौन सामान वो सही से जानता है, जो मशीन खरीद कर लाया पूरा मशीन सेटअप भी ले आया, वो कहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है फिर मिस्त्री को बुलाता है, वो दूसरा सप्लायर को बुलाता है। यस सर। तो इससे एक स्टूडेंट स्लाइड का नाम होता है कि नहीं स्टूडेंट हाथ से काम करता है। और ऐसे भी मेरे यहाँ जो डिप्लोमा कोर्स है जो BTEC कोर्स है उसमें 50% हम लोग इस लैब पर काम करते हैं। मेरा डिप्लोमा के स्टूडेंट गर्मी की छुट्टी में रह करके लैब वर्क करते हैं, क्रेडिट जितना पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टेट में है उससे यहाँ का डिप्लोमा अंतर है, वहाँ थियोरेटिकल पढ़ाई होती है, लैब पर कम ध्यान दिया जाता है, हम ही नहीं बोलते नहीं ध्यान दिया जाता, कम ध्यान दिया जाता है, यहाँ हम लैब पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यस सर, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट मेरे विद्यार्थी का ज्यादा है, वो काम करना चाहते हैं, लैब सेटअप कर लेंगे, मशीन बना देंगे, प्रोसेस एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लेंगे, इतना उसमें दम है, स्किल। यस सर। सर हमारे कॉलेज के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हाँ। और खासकर एकेडमिक एक्सेलेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में यह सवाल है। हाँ। अभी शॉर्ट टर्म के लिए यस सर हमने 3-4 कोर्स शुरू किया 2024 कैपेसिटी की, BTEC सिविल इंजीनियरिंग शुरू किया,
एडमिशन शुरू हो गया। यस सर। और जेईई मेन से हमको अच्छे स्टूडेंट मिले। अगले साल लेटरल एंट्री होगा, मेरा ही विद्यार्थी आज डिप्लोमा वाले अटैच हो जाएंगे और उसमें संख्या हो जाए। हमने इस बार एमएससी मेरे यहाँ था फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसमें हम बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड शुरू किए, एडमिशन हो गया और आश्चर्य होगा 60 सीट था 57 पर एडमिशन। और कहे तीन को क्यों छूट गया, तो ये था क्या कहते हैं विकलांग लोगों के, तो कनेड नहीं मिला। तो इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक, एमटेक बीएलएसआई शुरू किए तो मेरा पूरा एडमिशन हो जाए, तीन सब्जेक्ट शुरू किए। एमबीए जो बंद था 12 साल से, यस था ना बंद, उसको इस साल चालू करवाए, एडमिशन का प्रोसेस चालू है। एडमिशन लेने में एमबीए जो भी विद्यार्थी करना चाहते हैं, उसके साथ साथ हम एमबीए ओडीएल शुरू किए डिस्टेंस लर्निंग, जो मेरे स्कूल के प्रोग्राम में ओडीएल है, शाम में क्लास होगा। और आईआईटी यूसी ने बोला है कि आप आईआईटी मद्रास से कनेक्ट कर लीजिए और एक स्विंग कोर्स स्वयं कोर्स आप उसको अटैच करके आप कोर्स, तो उसका भी हम प्रोसेस 24 में कर रहे हैं। तो इस तरह का शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म में हमने पीडीएफ इस साल से शुरू किया, पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च प्रोग्राम पीडीएफ फेलोशिप, जिसमें हम स्टूडेंट को 55,000 से 60,000 रुपये महीना दे रहे हैं और वो विद्यार्थी रिसर्च भी करेगा और लैब में मेरे डिप्लोमा को बीटेक को बताएगा। कहीं जस्ट वो पीएचडी करके आईआईटी से आएगा, एनआईटी से आएगा, अच्छे इंस्टीट्यूट से आएगा और मेरे विद्यार्थी को करेंट बताएगा और उसको उसको जैसे अभी सॉफ्टवेयर के समय या सभी पूरा सॉफ्टवेयर पर नौकरी दिला रहे हैं, हम भी दिला रहे हैं, सब लोग दिला रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में क्या नया डेवलपमेंट है, पीडीएफ स्टूडेंट को इसलिए रख रहा हूँ, काम भी करेगा और मेरे विद्यार्थी को वो नई तकनीकी के बारे में, नया सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में बताएगा। इसी 24 से शुरू किया है। लॉन्ग टर्म में हमने 4 ऐसे डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एनर्जी और एक मेटेरियल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेशन एंड मेंटेन। वो एम्स से हमको रिक्वेस्ट आया है कि सर ऐसे डिप्लोमा धारी को तैयार कीजिए, टेक्निशियन को तैयार कीजिए जो जैसे कैंसर का इंस्ट्रूमेंट्स है, 3-3 करोड़ का आता है, 3-3 करोड़ का आता है, जितने भी लीवर चेस्ट न्यूरोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है उसका सर सही ट्रेंड मैकेनिक नहीं है, तो सर आप एक बैच निकालें शुरू कीजिए। मेरा इस हम 25 में शुरू कर रहे हैं, ये 25 में चालू हो जाएगा, 25 में चालू होता है कि जहाँ से हम परमिशन लेते हैं, हम भी किसी से परमिशन लेते हैं ना, ये कहीं मोहर है मेरा डिग्री का वैल्यू कैसे होगा, तो परमिशन देते हैं तो वो बोले नहीं आप 25 से। कुछ एक कोर्स के लिए बोला कि 26 से शुरू, तो ठीक जैसा उन लोग का होता है प्रोग्राम होता है वैसा करते हैं। इन द मेन टाइम हम कहेंगे इतना एडमिशन तो हो रहा और हॉस्टल की भी हम कैपेसिटी बढ़ाना, जिस तरह से रिमोट एरिया में, यस सर, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ कोई बाहर में लॉज की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा आउट पड़ जाता है, आउट क्षेत्र में संगरूर में भी कोई अच्छे लॉज नहीं है, अच्छे होटल नहीं है, तो बच्चे को हम जो भी यहाँ फैकल्टी आएंगे या जो स्टूडेंट आएंगे कैंपस में ही रहना है, तो उसके लिए हम हॉस्टल भारत सरकार को लिखे गर्ल्स हॉस्टल इफ बॉय चाहेंगे, तो विचाराधीन है। हमको माननीय मंत्री महोदय माननीय बोला कि वेट करो हम तुमको देंगे, वो भी सारा जानकारी तो ले रहे हैं मीडिया से या हमको रिपोर्ट से सारा जानकारी ले रहे हैं और इस तरह से मिलेगा। हम एक हॉस्टल में जाने से क्या हुआ रहने का दिक्कत, नए कोर्सेस हो रहे हैं उनके जो स्टूडेंट आएंगे सर उनका रहने का, ये अच्छी बात है। 4 कोर्स शुरू किए हैं, 30 में होगा, हॉस्टल बनने में भी लगता है, यस सर, तो हमने प्रपोजल बढ़ा दिए हैं, एक्सेप्ट हो गया, जैसे हमको फंड मिलेगा हमने भूमि पूजन करना है और उसको स्टार्ट करना है, यस, और इस तरह से लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म में और प्रोग्राम है, हम फार्मासिस्ट शुरू करेंगे, बी फार्मा, ये भी चक्कर में है कि बी फार्मा शुरू करेंगे। एमबीए को, एमबीए अभी
देखिए अभी दम हॉट केक है, तो एमबीए ऑफलाइन शुरू हो गया, ऑनलाइन शुरू हो गया, एमबीए हम कंप्यूटर्स टेक्निक शुरू कर रहे हैं, एमबीए साइबर क्राइम शुरू कर रहे हैं, ये सब हमारा लॉन्ग 26 में 27 में ये लॉन्ग टर्म्स में लॉन्ग टर्म में और चालू करके रहेंगे, चालू करके जाएंगे। तो ये आपके विजन और मिशन, ये उस सवाल में आ जाता है। जी सर। तो सर हमारा अगला सवाल है कि हमारे कॉलेज में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मुझे ज्वाइन करते ही इनोवेशन सेल शुरू किए, जो आप लोग देख रहे हैं, आईआईसी सर, आईआईसी। हाँ, उसके बाद उसमें हम स्पेशल टीम लगाए, आजाद सब कुछ सर और सुनीता मैंने, और एक सेल को दिए, उसको एक एक विंग दे दिए और अपना काम हो रहा है। हाँ, और उसमें और थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और उसमें और डेवलपमेंट करेंगे, जैसे अभी साइकिल प्रोजेक्ट मिला है, एक दो प्रोजेक्ट और मिलने की बात हो रही है, जैसे अभी वहाँ एक सोलर ट्री बना रहे हैं, जहाँ मैंने टीम बनाए हैं, सोलर ट्री से हम खुद जनरेट करेंगे और उस बिल्डिंग के लिए सेपरेट कर देंगे कि तुम नो नो एनर्जी नो डिमांड नो क्राइसिस, मतलब आप खुद जनरेट करो और खुद यूटिलाइज। ऐसे भी स्लाइड में 1 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट हो रहा, ऑलरेडी हो रहा, ऑलरेडी हो रहा, और उसको हम पंजाब एसटी बोर्ड को देते हैं और हमको टोटल बिलिंग में माइनस हो जाता है, उसको हम और एक्सटेंड करना चाहते हैं और एक्सटेंड करेंगे। ये सब मेरा इनोवेशन का और इस तरह का रिसर्च का, और सर सबसे बड़ी बात ये जो हम कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट से करवा रहे, उसको प्रोजेक्ट दे दिए सोलर ट्री बनाओ, ठीक है, वो सामान हमको लिस्ट मिल गया है, ये सामान चाहिए, पैनल चाहिए, पोल चाहिए, मतलब पाइप चाहिए, उसका ब्रांचेस चाहिए, देंगे, मगर उसको यही बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्कार्बिंग मशीन था सीएनसी वाला, तो उसमें राधा कृष्ण का उसका हम बना रहे हैं, जिससे कि हम जितना मेमेंटो खरीदते थे बात वो बंद कर दिए, यही मेरा कार्पेंटरी शॉप में लकड़ी देते हैं, यस सर, उसी पर राधा कृष्ण का वो इनक्रिप्ट हो जाता है, इनक्रिप्ट हो करके उसी को हम जितने मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं सब उसी को, जो भी इवेंट्स होते तो गेस्ट को वो वही देते हैं। उसमें क्या है कि टीम ऑफ स्टूडेंट है जो प्रोग्रामिंग करता है सीएनसी पर, निकालता है, स्कार्पिंग करके फाइनल करता है, तो मेरे तीन टीम काम कर, एक बैच तो निकल गया पास कर, दूसरा टीम फिर लग गया, उसको हम अटैच किए होते हैं कि तुम सीखना इसको, तो एक फिर हॉस्टल में करीब 200 कुर्सी चौकी टूटा हुआ था टॉप, उसको प्लाईबोर्ड मंगवा कर वर्कशॉप में ठीक करवाए, और अभी एक प्लाईबोर्ड का बेड का झंझट खत्म। फिर बहुत कंप्लेन आया, डीन बोला कि सर स्टूडेंट जानबूझ के तोड़ता, हमने ठीक है हम लोग भी तो कैसे करते थे, कितना तोड़ता है देखते हैं, बोलते हैं सर बर्थडे जिस दिन होता है उस दिन दो चौकी जरूर टूटता है। प्रोफेसर भी कभी टीचर था, स्टूडेंट था, यस सॉरी सॉरी सर, ठीक है, तो देखते कितना तोड़ता है, वो लोग मांगा 1.25 इंच का प्लाई मोटा तक था, हम 1 इंच का लगाए कि देखते हैं कि कैसे तोड़ता है। तो इस तरह का माहौल मैं इन हाउस रिपेयर करके मरम्मत करके उसे किया, उससे मेरा बहुत लाखों का बचत सेविंग्स हो जाती है, क्या कि उसमें चौपट जो है पौआ है जो पट्टी है वो तो सही सलामत था, टॉप टूटा था तो टॉप बदल करके अपने कारपेंटर से, नो डाउट इसमें कुछ हम कारपेंटर को हायर किए लाएंगे और हायर करके उसको ठीक करके पेंटिंग करके उसको ठीक किया, प्लस देखिए एग्जामिनेशन हॉल में पूरा बदल दिया, एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन का टेबल वो जो चेयर्स ऊपर जो एमबीएस लगे हैं, हाँ, मल्टीपर्पस हॉल में देखो पूरा नया हो गया, सब बनवाए हैं यहाँ गर्मी छुट्टी, एक नहीं खरीदा हुआ है ना, पूरा जो है उसका स्टैंड लोहे का पुराना बना, स्टैंड बदल दिए, उसका हम पेंटिंग करा दिए,
सनमाइका लगा दिए और नया का नया वो नया का ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि ये सामान पुराना सामान मिलता था। गोदरेज कम से कम 50 वो गोदरेज की करवा रहे। गोदरेज में सबसे बड़ी बात है जो पुराने समय का जो गोदरेज था अलमीरा था वो 16 गेज का था, अभी खरीदने जाते हैं तो 22 गेज का मिलता है। तो 22 गेज मतलब उल्टा है, यहाँ पतला मिलता है, 16 गेज ज्यादा मोटा होता है। यस तो कहने का मतलब है कि पुराना जितने चीज है उसको संभाल कर रखना, उसको मरम्मत कर रखना, उसको प्रॉपर केयर कर देंगे तो वो तो बहुत दिन चलता है। और इस तरह से कहीं काम करने मैं स्लाइड को एक लाइव प्रोजेक्ट में तब्दीली करने का प्रयास देखते सर। अगला सवाल है कि क्या आप हमारे कॉलेज के पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि आईआईटीज एनआईटीज के साथ? अभी हम जैसे बताए कि हम आईआईटी जम्मू आईआईटी मंडी एनआईटी के साथ किए हैं, ठीक है। आईआईटी पटना को भी हम बात हो गया है और दिन से बात हो रही थी। आईआईटी पटना से प्रोफेसर टीएन सिंह हैं वो बोल रहे हैं, वो इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि जितने स्टूडेंट बिहार यूपी से हैं बंगाल से हैं वो यहाँ तो पढ़ते हैं, किसी कारण से आईआईटी में एडमिशन नहीं होता तो आएंगे चले। बट हम जो फाइनल ईयर का माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट टीएन सिंह साहब तो बात हो गया कि मेरा स्टूडेंट जाकर के आईआईटी पटना में करेगा प्रोजेक्ट, घर भी वहाँ और वहीं प्रोजेक्ट करेगा, घर जैसा माहौल मिलेगा, घर ऐसा माहौल मिलेगा, घर तो आईटी आएगा कि ऐसे ही पटना से बिहार के लिए तो बिहार ही है। यस सर। तो सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग करेगा तो उस लाइन में भी काम कर रहा है, ठीक है। फिर हमको इससे बात हुई है मेट्रोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड से, तो वो भी हमको हेल्प बोले हैं सर मेरे यहाँ। और सेंट्रल प्लास्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही बात हुई तो हम हैं इसके आगे कदम की और हम कैसे एमओयू को आगे बढ़ावे, कैसे उसको मेरे स्टूडेंट का फायदा। मैं सीधा यही बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट का क्या फायदा, कोई भी हमको प्रपोजल आता है तो बोलते हैं कि बताओ उसमें मेरा स्टूडेंट का क्या, तो तभी हम कुछ करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टूडेंट ही हैं जो उसको यूज करेंगे। यस तो इस कदम इस में बढ़ रहे हैं आगे देखते हैं। सर तो निदेशक होने के नाते आपको बहुत कम ऐसा समय मिलता है, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए समय होता? नहीं, वो तो पढ़ाने का तो मेरा शौक है। हम अभी भी मैकेनिकल एमटेक में क्लास लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा हो जाती है, मेरे साथ एचओडी ने एक टीचर को अटैच किया है कि हम जब बाहर रहते हैं या फिर मीटिंग में सीनेट कमेटी में या मंत्रालय से मीटिंग में रहते हैं या दूसरे तो एक टीचर दो मिल के लेते हैं आपके सब्स्टिट्यूट में वो पढ़ा। हाँ, जनता सिंह। तो हम अभी भी पढ़ाते हैं, बिना पढ़ाए मन नहीं लगेगा, बिना पढ़ाए हम एकदम अच्छा नहीं लगता। एक बार क्लास ले लेते हैं तो लगता है हाँ ठीक है। रही बात मीटिंग में भी, स्टूडेंट के मीटिंग में भी जितना एक क्लासिक रूप में है तो पूरा मेरा विद्यार्थी सामने हो जाता है, एक क्लास के रूप में लेते हैं। नो डाउट टेक्निकल से हटकर थोड़ा सा मोटिवेशनल आपके लेक्चर्स काफी अच्छे होते हैं, तो लोग सोचते सोचते सुनता है। तो एक क्लास टीचर अब 35 ईयर्स हो गया बिना पढ़ाए तो फिर सोचते कि आज कुछ नहीं। सर आप कॉलेज पर कौन सी ऐसी पर्सनल लेगेसी या इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं? कोई ऐसा नहीं इम्पैक्ट छोड़ना है, हमने सरकार ने समय दिया है 5 साल और काम करना और काम करके अपना, और चाहते हैं कि स्लाइड एक नेशनल जो टेक्निकल फ्रेमवर्क है उस मार्ग और जैसे कि मेरा विद्यार्थी घर जब डिग्री ले बीटेक का डिग्री ले तो खाली हाथ घर नहीं जाए, खाली हाथ जब मुंह लटका करके घर नहीं वो जरूर ले जाए कि हम एक नौकरी हमको फलाना डेट में ज्वाइन करना है। इस प्रयास में है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट पर ज्यादा जोर दिए हुए हैं
और कंपनी भी हमको साथ दे रहा है, बढ़ रहा है, यार फ्रेंका पे भी फायदा आपको मिलेगा जैसे आपने नैक का बताया। मिलेगा यस सर, और एनबीए का मिलेगा, और विदेश में सबसे बड़ा बात है कि जब जैसे हमको ये मिला तो हमको स्टडी इन इंडिया का पोर्टल खुल गया। क्या है तुम लोग सुन, क्या है स्टडी इन इंडिया? कि अभी जितने भी विदेश के बच्चे का एडमिशन होता है, जितने भी बच्चे का विदेश में एडमिशन, विदेशी बच्चे का जितना एडमिशन होता तुरंत चालू हो गया, तो चालू हो गया तुरंत क्वायरी हमको मिलना। फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे स्लाइड में पढ़ सकते हैं। हाँ, पीएचडी करने के लिए मेरे पास 10 वो ऑप्शन है, हम खाली उस बट हमको भी यस करना है तभी वो आएगा ना। फिलिस्टाइन कलर के थे, हम बोले नहीं, पहला ही मैं फिलिस्टाइन का लेना थी नहीं, तो उसको फिर मैच भी नहीं किया, वो जिस एरिया में करना चाहते हैं उस एरिया से मैच भी नहीं कर रहा था, तो वो अभी मगर हमको बहुत इंक्वायरी है, हमको नेक ग्रेड लेने से मेरा पोर्टल खुल गया वहाँ और उसका पूरा हीट आ रहा है सर, इसमें पीएचडी करें, इसमें पीएचडी करें। तो और एक अभी 2023 से आते ही शुरू कर दिए एक पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया, पीएचडी स्टूडेंट प्रोग्राम। उसमें क्या हुआ कि जितने भी एचआर हैं, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो पीएचडी ऑर्डर करते हैं। और उसमें पहले पीएचडी 10-15 लड़के का एडमिशन होता था, अभी 125 लड़के का एडमिशन, 2023-24 संख्या काफी बड़ी है, काफी बड़ी 10 times। यस सर, तो इस तरह चलना है, इस तरह से बढ़ना है। सर ये फायदा हमारे स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है कि फॉरेन में जैसे पढ़ सकते हैं, फॉरेन वाले हमारे स्टैक में पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आ रहा है लड़का हो, हाँ, तो ऑटोमेटिक में उससे जब वो विद्यार्थी बाहर से आएगा मेरे यहाँ, जैसे एचआर कोई कंपनी का मेरे यहाँ पीएचडी करने आता, तो ऑटोमेटिक है कि उसके अंडर में एमटेक बीटेक अटैच होता है, तो वो बुलाता है कितने वहां जाओ फलाना काम के लिए मेरे। तो फाइनली तो बीटेक को ही फायदा करने के लिए ई प्रोग्राम अटैच हो जाता है, ठीक है, उसके एचआर हैं, जनरल मैनेजर है, काम का वो नो डाउट काम तो करते हैं, मतलब लिखने का समय कम है। yes. तो मेरा एमटेक बीटेक स्टूडेंट के साथ अटैच पे लिखता है, तो वो तो इंडस्ट्री बुलाता है, वो आ जाओ फलाना काम करो, प्रोजेक्ट करो, लाइव प्रोजेक्ट करो, और ये भी अपना निकालता है, बीटेक का प्रोजेक्ट निकालता है, और इसी तरह से इंडस्ट्री से जोड़ना चाहते हैं। सर आपने कभी राजनीति में आने के बारे में सोचा या फिर विचार किया है? नहीं, मेरा दूर दूर से रिश्ता नहीं है राजनीति का, और कभी जिंदगी में हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि राजनीति अपने क्षेत्र हमने जितना मेहनत किया बचता से पास से उसको हम विद्यार्थी के नहीं देना चाहते। राजनीति के कारण सब्जेक्ट है, उसने जो रम गया है उसमें काम दे दिया, इसके लिए हम लोग से नहीं होगा, हम लोग हमेशा विद्यार्थी के साथ हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है विद्यार्थी के साथ ओपन, मेरे यहाँ देख रहे हैं कुछ सेक्रेट नहीं है। यस, खाली क्वेश्चन बनाते हैं तो ही मेरा सेक्रेट का पॉकेट में रहता है, नहीं तो मेरा ईमेल मेरा पीएचडी स्टूडेंट खोलता है, जितना व्हाट्सएप मेरा पीएचडी स्टूडेंट खोलता है, एक इंक्वायरी देते रहते हैं, जितना हम पब्लिकेशन है मेरा 100-150 पब्लिश देता है, तो मेरा स्टूडेंट सर फलाना पेपर भेजे थे सबमिट किए थे, उसका ये क्वायरी आया, उसका जवाब देना, तो सेक्रेसी नहीं, सेक्रेसी एक ये चीज रखते हैं, क्वेश्चन सेमेस्टर पर क्वेश्चन बनाते हैं, पूछ के चाप रखते हैं कि किसी स्टूडेंट को भी मैं तो विद्यार्थी टीचर और विद्यार्थी का जो संबंध है वो ट्रांसपेरेंसी है। अगर एक एक चीज है हम दो आंख से देखते हैं किसी को, हम निकलते हैं तो हमको मेरा 5,000 स्टूडेंट है इंटू 2 10,000 आंख देखता है, इसलिए बहुत से ही पवित्र रिश्ता है टीचर और विद्यार्थी का, इसलिए हम राजनीति सोचते ही
हमारा कॉलेज अभी भी प्रगति के चरण में है। हाल ही में घोषित जो NIRF रैंकिंग है उसमें पूरे भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीच यह 28वें स्थान पर रहा है, 76। 26 स्थान पर रहा है, हाँ आई एम सॉरी सर। ठीक है, तो हम स्टूडेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम अपने इंस्टीट्यूट, फैमिली और समाज के सामने इस तरह और बदलते रहें? मुझे स्टूडेंट से क्या क्या हाँ, हमने, एक्सपेक्टेशन से। हाँ हाँ स्टूडेंट से ही है कि जैसे जो विद्यार्थी ओरिएंटेशन क्लास में ही बता है कि एडमिशन लिए हो जुलाई 24 में, मैं 28 में 30 जून को डिग्री दे दूंगा, ये आपने उसमें था ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन का। में 30 जून 2028 में डिग्री दे दूंगा। साथ में एक नौकरी भी दूंगा, मैंने वाहे बसर सब्जेक्ट टू मेरे डिसिप्लिन में रहो, जो रूम्स है हॉस्टल का रूल्स है, एग्जामिनेशन का रूल्स है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का रूल्स है, रूल्स और अपने जीवन को एक सही मार्गदर्शक खुद बनो और सफल। यही मैं विद्यार्थी से प्रयास आशा करता हूँ और बनेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चे आए हैं काफी मेच्योर्ड हैं और मेरे यहाँ हम तो पूरा NIT सिस्टम का है, बहुत तरह का झमेला है वहाँ, मगर मेरा विद्यार्थी देखते हैं यहाँ कुछ झमेला नहीं है। मैं नाम नहीं लेने तो, मगर मेरा विद्यार्थी बहुत अच्छा है। और रही बात हम लोग टाइम में, मैं लोग कहते डिप्रेशन हो जाता घर पर, जब हम पटना पढ़ते थे उस वक्त मोबाइल वाले कुछ नहीं, खाली ये सोचते थे कि किताबी खेत गए होंगे वही में सब डिप्रेशन खत्म हो जाता, खेत में फलाना काम करवा रहे हैं प्लस पॉकेट में उतना पैसा नहीं रहता था जो बस में बैठ कर जाए। तो मेरा विद्यार्थी उस तरह का मेरे यहाँ पास विद्यार्थी है, काहे कि मेरे यहाँ फीस जो है कम फीस है, IIT NIT के रिस्पेक्ट में यहाँ कम फीस है और मेरे यहाँ रूरल बैकग्राउंड के ज्यादा बच्चे हैं, मध्यम वर्ग के ज्यादा बच्चे हैं, उसको ही कैटर करने का प्रयास करते हैं और आगे लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि एक तो है जो उसको हम आबे लाबे ऊपर, यही मेरा प्रयास है। सर, आज से आपका अंतिम प्रश्न ये है कि एक सफलता मंत्र जो आप अपने जीवन में मददगार मानते हैं और हम सबको उस पर विश्वास करना चाहिए, एक उस ऐसा जो हो वो आप हम इससे साझा करना चाहें? एक और जोड़ना चाहेंगे, जब मध्यम वर्ग की बात हुई यस सर। तो अभी NAP में हम लोग को यर्निंग व्हाइल लर्निंग एक सिस्टम है, उसमें कि अवश्य विद्यार्थी जो गर्मी छुट्टी में नहीं जाना चाहते, अवश्य विद्यार्थी जो छुट्टी में कुछ काम करना चाहते उसको शुरू किए हैं हम। लाइब्रेरी में जैसे मेरा डाटा एंट्री है, एक्सेल शीट में बनवाते हैं और ऐसे नहीं फ्री में नहीं बनवाते हैं, उसको हम 3,000 रुपये देते जिससे कि उसका मेस चार्ज निकल जाए, उसका खर्चा पॉकेट खर्चा निकल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो सीखे भी, एक्सेल शीट एंट्री करेगा, डाटा एंट्री करेगा, तो उसका एक सिस्टम भी समझेगा और एक दो नहीं पूरा एक ग्रुप तो पास होकर चला गया। शुरू कर देते पिछले में, अभी अभी करीब 60 बच्चे का लिस्ट बना है, चालू कर दिया है काम, तो उसमें भी इंगेज करते हैं। और ये तो लाइब्रेरी काम हुआ, लैब में भी हम काम शुरू कर रहे हैं, जितना मेरा सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन जो फैसिलिटी है, जितना मेरे इंडस्ट्री से काम आता है टेस्टिंग आता है, उसमें हम विद्यार्थी को जोड़ेंगे कि हम बाहर से क्यों आदमी लेते हैं, मेरा विद्यार्थी मशीन ठीक से चलाएगा, सही से केयर करेगा, सही से उसको ध्यान देगा, तो उसको ही जैसे हम कमाते हैं कंसल्टेंसी में स्टूडेंट को ध्यान देंगे। और जिससे कि एक माहौल बनेगा स्टूडेंट में कि नहीं हमको यहाँ समय देने से, यहाँ रहने से,
यहां से हाथ बताने से काम होता है। ये बहुत बड़ा बात है। रही बात स्टूडेंट्स का, जो प्री फाइनल ईयर को ज्यादा हम फोकस करते हैं, फाइनल ईयर में तो नौकरी के चक्कर में सब रहता है, प्री फाइनल ईयर को लाइफ प्रोजेक्ट से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस, सचमुच में प्री फाइनल ईयर ही एक्टिव मोड में है, तो उस पर ज्यादा कंसेंट्रेट करते हैं और इस तरह से चलते हैं। सर, एक सफलता मंत्र के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई मंत्र नहीं, हम लोग सिर्फ मेहनत करो और आगे बढ़ो, यही मंत्र पर हम लोग गांव में चलते रहते हैं। वो मंत्र, ओझा गुनी मंत्र, डायन जोगिन कुछ नहीं, हम लोग मंत्र मेहनत करो, कोई भी बाधा आएगी मेहनत करते रहो, सच्चा दिल से मेहनत करो, आगे बढ़ो, ये सब बस सब मेहनत के सामने सब मंत्र खत्म। तो इसी सवाल के साथ आज का हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस पॉडकास्ट में इतना समय देने के लिए और सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी टीम को।